आज हम बनाने वाले हैं फ्रूट कस्टर्ड। एक्चुअली बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है और जनरली मीठे खाने की क्रेविंग्स होती हैं तो ये कंपैरेटिवली एक अच्छा हेल्दी रेसिपी है क्योंकि इस बहाने मीठा भी आप खा सकते हैं और एक्चुअली आपकी बॉडी में फ्रूट्स भी जाते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए हमने सबसे पहले सॉस पैन लिया है तो सॉस पैन में हम जो दूध है उसको अभी बॉईल करने रखेंगे। हमने इसमें आधा लीटर दूध का इस्तेमाल किया हुआ है। आप आपके हिसाब से प्रोपोर्शन घड़ा बढ़ा सकते हैं जैसे आपको क्वांटिटी बनानी हो। तो अभी हम ये जो दूध है इसको एक अच्छा सा बॉईल आने तक उबालेंगे। तो जब तक हमारा दूध बॉईल हो रहा है तब तक हमारे जो फ्रूट्स हैं हम उनको काट लेते हैं। चलिए तो ऑफकोर्स पोमेग्रेनेट को काटने की जरूरत नहीं है। हम केला जो है इसको हम काटेंगे बारीक पीसेस में। इसको हम पील कर लेंगे और हम इसको इस तरह से बारीक पीसेस में चॉप कर देंगे। तो केले को हमने चॉप कर लिया है। एक्चुअली केला जो है वो कस्टर्ड में ज्यादा अच्छा लगता है फ्लेवर वाइज, तो इसलिए केले का जरूर इस्तेमाल कीजिए। बाकी आप दूसरे भी फ्रूट्स आपके हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सीजनल फ्रूट्स अगर हैं तो जैसे अगर जनवरी सीजन है तो आपके पास स्ट्रॉबेरी अगर है तो आप स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल कर लीजिए। आप मैंगो अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप मैंगो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फुल ग्रेप्स भी डाल सकते हैं बट ये एक्चुअली बहुत बड़े हो जाते हैं इसलिए ग्रेप्स को भी हम और थोड़ा सा छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लेंगे। तो क्या है तो छोटा सा पीस जब मुंह में आता है तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे जो ग्रेप्स हैं हमने इस तरह से चॉप कर लिए हैं छोटे छोटे। जो एप्पल है उसको भी चॉप कर लेंगे। आपको आपके चॉइस के हिसाब से जो साइज रखनी हो वो आप रखिए फ्रूट्स की। मैंने एक्चुअली थोड़ा छोटा काटा है, आप चाहे तो थोड़े बड़े चंक्स भी रख सकते हैं। आई थिंक ऑन एन एवरेज इतनी साइज एप्पल्स की काफी होनी चाहिए। देखिए हमने इस तरह से एप्पल को छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है। ये मिल्क है, ये अभी लगभग बॉईल हो गया है। इसको अच्छा सा उबाल आने देना है हमको। इसको हमने लगभग 8 मिनट तक पकाया है तब जाके ये बॉईल हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, इसी दूध में से लगभग 4 चम्मच दूध हम एक छोटे से अलग बाउल में निकाल लेंगे क्योंकि हमको अभी क्या करना है, हमको अभी जो कस्टर्ड है वो उसका घोल बनाना है। तो अभी हम इसी में से, अगर आपके पास बाहर दूसरा मिल्क हो तो आप उसमें से 4 चम्मच ले सकते हैं या फिर आप इसी दूध में से लगभग 4 टेबलस्पून जितना दूध ले लीजिए एक छोटे से बाउल में। आपको 4 चम्मच जितना लेना है, 4 टेबलस्पून जितना दूध। ये देखिए हमने ले लिया है। अभी क्योंकि ये दूध बहुत गर्म है हमको इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे लाना है तो हम इस दूध को ठंडा करेंगे। तब तक हमको ये जो पैन है इसमें जो दूध है वो हल्के लो फ्लेम पे इसको उबालते ही रखना है। हमने जो निकाला हुआ दूध ठंडा हो रहा है तब तक हम इसमें 1/4 कप चीनी जो है ऐड करेंगे ये सॉस पैन में। इसको थोड़ा मिला देंगे ताकि जो शुगर है वो अच्छे से इस दूध में मेल्ट हो जाए और अच्छा मीठा फ्लेवर आ जाए। अभी हम जो दूध निकाले थे जिसको हमने थोड़ा सा ठंडा किया था जो बॉइलिंग इससे निकाला है, अभी इसमें हम जो कस्टर्ड पाउडर है दो चम्मच कस्टर्ड पाउडर है उसको हम मिक्स करेंगे। हम उसको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे क्योंकि इसमें हमको ध्यान रखना है कि कोई लंप नहीं बने, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पाउडर डाल के इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। और फिर इस घोल को धीरे धीरे हमको जो हमारे सॉस पैन में जो मिल्क बॉइल किया है उसमें डालेंगे। डायरेक्ट डालने से लंप्स तैयार हो जाते हैं इसलिए हमको एक घोल बना के उस दूध में इसको ऐड करना है और डायरेक्ट पाउडर दूध में ऐड नहीं करना है। देखिए ये कैसे अच्छे से घोल बना लिया है हमने, आप देख सकते हैं पूरा क्रीमी टेक्सचर का है ये और इसमें बिल्कुल कोई गांठें नहीं है। तो चलिए अभी इस घोल को हम सॉस पैन के मिल्क में ऐड करते हैं। देखिए अभी ये जो दूध है जिसमें हमने शुगर ऐड कर लिया है ये सिमर हो रहा है। अभी हमको इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये जो हमने कस्टर्ड का घोल बनाया है ये हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। हमको एक साथ बिल्कुल नहीं ऐड करना है वरना गुठलियाँ बन जाएंगी, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और हमको कंटिन्यूसली इसको स्टर करते रहना है। थोड़ा फास्ट चलाइए ताकि कोई लम्स नहीं बने। अगर थोड़े लम्स बन भी जाते हैं तो आप उसको फास्ट चला के निकाल सकते हैं। इसको हम अभी इस मिक्सचर को इसी तरह से धीमी आंच पे चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी स्मूथ कंसिस्टेंसी का बना है और इसमें कोई लम्स नहीं बने हैं। आप इसको अगर फटाफट नहीं चलाएंगे तो जो कस्टर्ड है उसके अंदर ही अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी और फिर ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा तोड़ने के लिए उसकी गुठलियाँ। तो इसलिए हम पहले इसको दूध में कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करके फिर वो घोल हम उबलते हुए दूध में ऐड करते हैं।
देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी स्मूथ बनी है। अभी हम इसको टोटल 7-8 मिनट तक पकाएंगे ये घोल कस्टर्ड का ऐड करने के बाद, ताकि जो कस्टर्ड पाउडर है वो दूध के साथ अच्छे से पक जाए। देखिए लगभग 8-9 मिनट हो चुके हैं, अभी हम गैस को ऑफ कर देंगे और ये जो मिक्सचर है आप देख सकते हो थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। अभी हम इस मिक्सचर को एक कांच के बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे। देखिए अभी हमने कांच का बॉल लिया है, अभी हम इसमें जो हमारा ये कस्टर्ड का मिक्सचर है इसको हम थोड़ा सा पहले इसी में ठंडा कर लेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद हम ये जो मिक्सचर है इसको एक कांच के बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे, जिसमें हम बाद में हमारे फ्रूट्स वगैरह ऐड करेंगे ठंडा होने के बाद। इस मिक्सचर को थोड़ा सा सॉसपैन में ठंडा करने के बाद इस बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। अभी हम इस बाउल को फ्रिज में रखेंगे और फिर 2 घंटे के बाद हम इसको बाहर निकालेंगे। 2 से 3 घंटे हम इसको रेफ्रिजरेट करेंगे ताकि ये कस्टर्ड जो है वो ठंडा हो जाए, और उसके बाद हम फ्रूट्स डालेंगे। आप उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे कभी कभी आप चाहो तो सारे फ्रूट्स अभी ऐड करके उसको अच्छा सा मिक्स दे दीजिए और फिर फ्रिज में रख दीजिए, वो भी चलता है। लेकिन फिलहाल मैं इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। 2 से 3 घंटे आपकी चॉइस है, आप बहुत ही चिल चाहते हैं तो ज़्यादा देर रखिए, लेकिन थोड़ा सा सेट होने के लिए, थोड़ा सा गाढ़ा होने के लिए हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए रखेंगे फ्रिज में, और उसके बाद इसमें सारे फ्रूट्स ऐड कर देंगे। 2 घंटे बाद फिर से निकाल लिया है, इसको एक थोड़ा सा मिक्स दे देंगे अच्छा सा, ताकि ये ऊपर जो परत बनी है वो निकल जाए। आप देख सकते हैं थोड़ा गाढ़ा भी बन चुका है। अभी हम इस पे जो फ्रूट्स हैं वो सारे ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जो हमारे बनानास हैं वो ऐड करेंगे। अभी बनानास के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप्ड ग्रेप्स, और फिर हम ऐड कर देंगे पोमोग्रेनेट्स। आप आपकी पसंद के फ्रूट्स डाल सकते हैं, जैसा मैंने बताया था हम ऐड करेंगे चॉप्ड एप्पल। पर ध्यान रखिएगा सिट्रस फ्रूट्स थोड़े अवॉइड कर लीजिए, जैसे डोंट पुट वाटरमेलन्स या मेलन्स, क्योंकि क्या है ये सारे फ्रूट्स बहुत पानी छोड़ते हैं, तो इससे आपका जो कस्टर्ड है वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़े क्रंची वाले फ्रूट्स होते हैं वही ऐड कीजिए। आप कीवी का अगर कीवी अगर अवेलेबल हो तो कीवी ऐड कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी का अगर सीजन है तो स्ट्रॉबेरी ऐड कर सकते हैं। देखिए हमने सारे हमारे जो फ्रूट्स हैं वो ऐड कर दिए हैं, अब हम इसको एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे कुछ इस तरह से। वाओ, चलिए आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो फ्रूट कस्टर्ड है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। आप चाहे तो इसको अभी ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, या इसको थोड़ा सा और रेफ्रिजरेट कर लीजिए और चिल्ड से सर्व कीजिए। आप इसको रेफ्रिजरेट करके भी और सर्व कर सकते हैं। ये देखिए हमारा जो फ्रूट कस्टर्ड है वो बिल्कुल रेडी टू सर्व है। आप चाहे तो इसको गार्निश करने के लिए ऊपर से और पोमोग्रेनेट डाल सकते हैं, या फिर आप चॉप्ड पिस्ताचियोज या कैश्यूज भी डाल सकते हैं। तो आप इसको बस रेफ्रिजरेटर में और रखिए और चिल्ड सर्व कीजिए। तो चलिए अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए हमने लिया था 1/2 लीटर दूध, ये हमने फुल क्रीम दूध लिया है, और हमने लिया है 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर वनीला फ्लेवर, हमने लिया 1/4 कप शुगर, और हमने यहाँ पे फ्रूट्स में लिया है बनानास, एप्पल, ग्रेप्स और पोमोग्रेनेट। आप आपके हिसाब से फ्रूट्स डालिए, अगर सीजनल फ्रूट्स हो आपके पास तो आप सीजनल फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं।